सापुतारा में ये जो हिल्स है बेसिकली सनसेट पॉइंट कहलाते हैं। लोग सनसेट का नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। काफ़ी हाइट पे है ये माउंटेन। आप देख सकते हैं कि जो विलेजेस हैं वो कितने नीचे हैं। जहाँ जहाँ से भी आपको धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है बेसिकली विलेज है, जिसमें लोग आग जला रखे हैं। जैसे खेती होता है उसके बाद जो बच जाते हैं उसमें आग लगा देते हैं। यहाँ पे वो वाली खेती बहुत अच्छा होता है कि जब नीचे का पोर्शन बच जाता है तो आग लगा देते हैं। जहाँ भी आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा विलेज है, ठीक है। वो पूरा पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी के उस साइड जाइएगा तो महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। नासिक, बेसिकली नासिक और सापुतारा बहुत ही सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं सनसेट के लिए। ये काफ़ी हाइट पे माउंटेड है, आप स्लोप भी देख सकते हैं कि वहाँ से आप स्लोप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो विलेज है बेसिकली बहुत नीचे है, ठीक है। अभी तो सनसेट का टाइम नहीं हुआ, सनसेट में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन लोग यहाँ पे आना एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 बजे सनसेट हो जाता है। क्योंकि ये जो धुंध दिखाई दे रहा है आपको वो सूरज को कम्प्लीटली ढक देता है, तो पहाड़ के नीचे भी नहीं जाता, उससे ऊपर ही सनसेट हो जाता है। लोग काफ़ी अमाउंट में यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि व्यू अच्छा है। वो सापुतारा का टेबल पॉइंट कहलाता है। वहाँ से उस पहाड़ी से लेकर के इस पहाड़ी तक बेसिकली रोप वे का सिस्टम है कि आप रोप वे के थ्रू उस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे आ सकते हैं। वहाँ पे टेबल पॉइंट है, बेसिकली टॉप पॉइंट है जो प्लेन है। वहाँ पे आप दिख रहा होगा कि वो वाला पोर्शन जो ऊपर में बेसिकली रेस्टोरेंट है वो, ठीक है। वहाँ पे बस वहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, बाइक राइडिंग कर सकते हैं, घोड़े होते हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे गोले वगैरह खा सकते हैं। मतलब वहाँ बेसिकली खाने पीने का चीज़ है, ऊपर बाकी कुछ नहीं है। हाँ, बाकी फ्लैट है। और वो दिख रहा है आपको, वो आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, रिजॉर्ट है। और वहाँ से लेकर यहाँ तक कर आपका रोप वे जो है वो आपका बेसिकली जाता है, ठीक है। तो ये सनसेट पॉइंट है सापुतारा डिस्ट्रिक्ट का, मतलब सापुतारा जगह का, जो बहुत ही आप सोचिए हिल स्टेशन है। तो यहाँ तो हिल्स ही हिल्स है, यहाँ बहुत ज़्यादा है ही नहीं। यानी जो लोकेशन है वो हिल्स के चारों साइड में ही है। यानी अगर सापुतारा घूमना है तो वन डे विजिट है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अगर अपना व्हीकल से नहीं आए हैं तो बस स्टैंड के नियर बाय में होटल्स हैं, वहाँ पे आपको स्कूटी भी मिल जाएगा। स्कूटी है, बाइक है। अभी पिक सीजन है, जैसे मई है तो 700 चार्ज करते हैं, नॉर्मल डे में 500 से मिल जाएगा स्कूटी। वहीं पे सब खड़े रहते हैं कि तो अपना गाड़ी नहीं भी लेकर आइएगा अगर स्कूटी है। और यहाँ हवाएं बहुत ज़ोरदार चलता है, गर्मी की तो कोई बात ही नहीं है, गर्मी होती ही नहीं है इनफैक्ट, चूँकि हिल स्टेशन है, ठीक है। नज़ारा बहुत अच्छा है, वन डे विजिट के लिए बहुत अच्छा जगह है। इनफैक्ट अगर आप रेस्ट चाहते हैं, जैसे शहर से काम कर करके थक गए हैं और रेस्ट करना चाहें, तो सबसे बेस्ट जगह है, यहाँ पे एक रिजॉर्ट लीजिए। रिजॉर्ट भी रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, ऑनलाइन बुकिंग कीजिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऐसे मैंने देखा कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था वो, और आप देख सकते हैं कि आपको अगर दिखाई दे तो वो रोप वे है जो बेसिकली जा रहा है वहाँ से, है ना। वहाँ से रोप वे जो है वो इस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ तक जाता है। और शाम के टाइम पे लोग सनसेट पॉइंट विजिट करने के बाद में फिर से वो वापस चले जाते हैं। अभी देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे आ चुके हैं, चूँकि सनसेट जस्ट होने ही वाला है। यहाँ पे 7 बजे के आसपास हो जाता है, बहुत धुंधला होता है, धुआं धुआं तो हमेशा रहता है। मैं दिन पूरे दिन यहाँ पे कई बार विजिट किया हूँ तो ये ऐसे ही रहता है ऊपर से नज़ारा, लेकिन नीचे में काफ़ी क्लियर होता है। वो स्वामीनारायण भगवान का मंदिर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वहाँ से काफ़ी स्लोप से जो है काफ़ी स्लोप है, आप वहाँ जा सकते हैं। अक्सर स्कूटी भी जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत स्लोप है तो स्कूटी नहीं जाएगा, स्कूटी जाएगा। मैं तो 3 बार इसको चढ़ चुका हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने 2 दिन सापुतारा में विजिट किया, चूँकि मुझे आइडिया नहीं था कि बेसिकली कितना बड़ा है, तो रिपीट किया हमने जगह को, क्योंकि एक टाइप से एडवेंचरस है। अगर फैमिली के साथ आते हैं तो ये एडवेंचरस प्लेस है, मतलब ऊपर जाइए आराम से बहुत हिल्स पे, वहाँ रेस्ट कीजिए, उसके ऊपर जाने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई गार्ड नहीं है कि आपको बोलेगा कि हाँ इधर नहीं जाओ इधर नहीं जाओ, आपको जो करना है वो क्लियरली कर सकते हैं।
इनफैक्ट पूरे गुजरात में भी यही है, लेकिन यहाँ पे खास करके कहीं भी कोई भी गार्ड वाला सिस्टम नहीं है कि गार्ड बोलेगा कि भाई शाम हो गया निकल जाओ या ऐसा करो, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़ोरदार जगह है, मतलब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, आप जितना देर चाहो उतना देर घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। और अक्सर आप गांव में भी जा सकते हैं, मैंने गांव विजिट किया है, मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन बेसिकली अभी क्या है कि सब लोग डेवलप इतना हो गए हैं कि आपको लगेगा ही नहीं, वो नॉर्मल हमारे भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, ट्राइब्स में रहते हैं अलग अलग। यहाँ म्यूज़ियम भी है सापुतारा का, तो वहाँ पे जो पुराने उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी प्ले करते हैं, यानी ट्राइब्स हैं लेकिन आपकी लैंग्वेज समझेंगे, हिंदी भी बेसिकली समझते हैं और गुजराती तो ऑलरेडी वो समझते चूँकि गुजरात के लोग हैं, ठीक है। और चारों साइड से जैसे हिल्स हैं, उसके बाद में ये बिल्कुल वैलीज हैं जिसमें बहुत सारे गांव, छोटे छोटे गांव में आपको दिख रहे होंगे, वो छोटे छोटे गांव में बसते हैं इसमें, और इसमें भी आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, आप चाहो तो बीच में ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, गाँव में आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिस गाँव में चाहे उस गाँव में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको एक दो दिन रह करके अंदर गाँव में जा कर देखना है तो गाँव में जा सकते हैं, नॉर्मली रोड होता है, ठीक है। हम शहर से आते हैं लाइफ कितना अच्छा होगा, लेकिन मैं देखा कि उनके पास बेसिकली जो जाने आने के लिए बहुत सारे इशू रहता है, मतलब जो बिल्कुल इधर रहते हैं शहर वाले तो क्या होते हैं रोड वगैरह निकल गया, जैसे वो आने जाने के लिए टूरिस्ट प्लेस होता है, बहुत अच्छा जगह है, रोड वगैरह यहाँ पे जस्ट नीचे आगे जाते हैं इसके आगे तो अपने गुजरात स्टेट का स्पोर्ट्स अकेडमी है जो कि बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो ओवरऑल ये जो सनसेट पॉइंट है बताऊँ कि आप अगर टाइम रिलैक्स करना चाहिए तो आज आप देख सकते हैं कि अभी पीक सीज़न है, मतलब ऑलमोस्ट स्कूलों में समर वैकेशन चालू है, फिर भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते हैं, लोग दिन में आते हैं, मस्त हवाएं चलती हैं, आपको वीडियो में भी मज़ा आ रहा होगा, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये आपके सनसेट पॉइंट है, और जगह है जहाँ पे आपका सनराइज पॉइंट है, तीन मेन हिल्स हैं। उसके अलावा आप नासिक चले जाइए तो वहाँ पे अभी देखा आपने किला था, शिवाजी जी का किला था, तो ओवरऑल जो है आपको विजिट करवा दिया ये सनसेट पॉइंट से।